सीएम सोरेन ने की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं पर की चर्चा, सीएम ने योजनाओं का लिया जायजा। बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को निर्देश, 9 मई तक न्यायिक कार्यों में नहीं होंगे शामिल पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है सुनवाई। रांची में रेल यात्रियों की संख्या में दिखी कमी, रेल प्रबंधन ने ट्रेन परिचालन रोकने का लिया फैसला। रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन 7 मई से बंद करने का लिया गया फैसला। गिरिडीह में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सख्त, शहर में चलाया गया जागरूकता अभियान, गाइडलाइंस का पालन न करने पर होगी जेल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मधुपुर उपचुनाव में मिली जीत और हार के बाद महागठबंधन और बीजेपी में अंतर कलह लगातार जारी है। महागठबंधन में जहां दोनों अंसारी भाई आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी में बगावत के स्वर उठने लगे हैं। उपचुनाव के बाद जारी सियासत पर देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा मधुपुर उपचुनाव में किस तरीके से घमासान यहाँ पर देखने को मिला और क्या कुछ है इसकी तस्वीर, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम ने लहराया जीत का परचम। जीत के बाद पार्टियों में आपसी तकरार जारी। आमने सामने आए दोनों अंसारी भाई। चुनाव के बाद बीजेपी में भी अंतर कलह जारी। झारखंड में बीते दो विधानसभा उपचुनाव में लगातार जीत के बाद मधुपुर उपचुनाव में भी जेएमएम ने जीत का परचम फहराया है। सियासी गलियारों में इस जीत के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। एक बार फिर पूरी जोर आजमाइश के बाद भी मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी पूर्व के उपचुनाव में बीजेपी परास्त हुई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में परास्त होने के बाद बीजेपी ने ये तीसरा मौका गवाया और जीत का स्वाद नहीं चख पाई। झारखंड में सत्ताधारी दल ने मधुपुर में जीत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन अब गठबंधन से एक अंतरकलह की तस्वीर सामने आई है। हफीजुल अंसारी ने वोट प्रतिशत को लेकर इरफान अंसारी पर निशाना साधा, तो वहीं इरफान अंसारी ने भी अपनी ओर से कई नसीहतें दे डाली। ये तय था, बहुत अच्छा माहौल था, हम बहुत वोट से जीते, लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक बोलिए, राजनीतिक का असामाजिक बोलिए, उन्होंने जिस तरह नौटंकी किया, क्या नहीं किया, नंगा नाच किया मधुपुर में, लेकिन मधुपुर की जनता संयम नहीं खोया। अगर संयम खोता तो मधुपुर में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन सारा सब वहाँ हिंदू मुस्लिम, सब वहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई ये दिक्कत नहीं है। वहाँ बाहर का नेता जा करके वहाँ माहौल खराब कर दिया। आपकी जीत के बाद आपने जो बयान दिया, मैं उसे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ और मैं कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में मत आओ यार, लंबी पारी खेलनी है आपको, मधुपुर में वहीं रहना है आपको, हमको भी वहीं रहना है। और आप क्या बोल दिए कि इरफान अंसारी बाबा मंदिर चला गया तो वोट का रेशियो कम कर दिया। अरे भाई मैं कहना चाहता हूँ बाबा के आशीर्वाद से वोट कम नहीं हुआ आपका, बहुत बड़ा है वोट आपका, 1 लाख से ऊपर आप वोट लाए, आज तक इतिहास है कोई प्रत्याशी नहीं लाया। इरफान अंसारी के चलते 27 गांव जो हिंदू का बहुल क्षेत्र, जो मेरा बचपन मैंने जहां बिताया, सारा कहने पर आपको वोट दिलाए और आप कह रहे हैं कि मैं वोट कम करे, इसको कम हो गया। वही उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी उभरने लगी है। कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व वर्ग से सवाल करना शुरू कर दिया है, इस्तीफे तक की मांग करने लगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रहे गंगा नारायण सिंह ने बयान जारी कर साफ कह दिया कि मैं हारा नहीं, हराया गया हूं, और जो भी गद्दार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। गंगा सिंह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि 725 रुपया के जिसने अपने जीवन में नौकरी शुरू किया हो और आज एक मधुपुर विधानसभा में ऐतिहासिक वोट ला करके ये बता दिया आपको कि मैं कभी हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हारे तो आप लोग हो, हारे तो वो लोग हैं जिसने बीजेपी से गद्दारी किया है, हारे तो वो लोग हैं
जो मधुपुर से गद्दारी किया, हारे तो वो लोग हैं जिसने गांव में रह करके गांव वालों को, एक गांव में अगर 10 घर है, 10 घर में से एक घर पाखंडी निकल गया, पूरे गांव पूरे घर को बदनाम कर दिया उसने, ऐसे लोग हारे। राजनीति में अपने पक्ष विपक्ष में तकरार तो हमेशा देखा ही होगा, लेकिन यहां चुनाव के बाद आपसी मतभेद निखर कर सामने आ रहे हैं। एक ओर दोनों अंसारी भाइयों में तकरार जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में अंतरकलह। ऐसे में देखना यह होगा अंतरकलह का आखिरकार क्या क्या रूप धारण करता है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ सरोज सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे है, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर सर। सरोज जी, जिस तरीके से पार्टी हार के बाद यहाँ पर एक समीक्षा बैठक की जाती है, लेकिन इस बार समीक्षा बैठक नहीं की गई है, यहाँ प्रत्याशी ने खुद ही बैठक कर दी है, और बैठक करने के बाद साफ तौर पर यहां पार्टी के ऊपर ही कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हारा नहीं हूं बल्कि मुझे हराया गया है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अभी कल ही रिजल्ट आया है, परसों 2 तारीख को, अब 4 तारीख है, कोरोना का काल चल रहा है, सारा कोरोना का भयावह स्थिति, और इस परिस्थिति में अभी पार्टी दूसरे काम में लगी हुई है, लोग सेवा में लगी हुई है, तो अभी तुरंत तो समीक्षा नहीं की स्थिति भी नहीं है, और कर भी नहीं सकते अभी। और समीक्षा वहाँ पर लोकल स्तर पर ठीक है, रिजल्ट के बाद जो लोग जीते होंगे तो गंगा नारायण सिंह जी और जो हमारे प्रत्याशी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ कुछ अपना बैठक किए होंगे, वो अलग बात है। उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है उसको तो मुझे आप ही से जानकारी ले रहे हैं उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक बात मैं इससे अलग बता दूं, ये जो तीनों उपचुनाव है, यह तीनों उपचुनाव ये साबित करता है, ये तीनों उपचुनाव के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है ये दिखाता है, और ये चुनाव सत्ता पक्ष के लिए खतरे की घंटी है, और सत्ता पक्ष के खतरे की घंटी इसलिए है ये उपचुनाव, और ये उपचुनाव जो है बीजेपी आज कितनी ऊंचाई पर पहुंची है और उसका नेतृत्व की क्षमता, जो केंद्रीय नेतृत्व तो हो, राज्य में चलाने वाले जो लोग पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आज इतनी ऊंचाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज लेके इतनी बड़ी ताकत बढ़ी है। आपको एग्जांपल के लिए बता दें कि झारखंड में 10-12 ऐसे सीटें हैं पूरे झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्लभ सीटें रही हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी, कुछ तो ऐसी सीटें आज भी हैं आधा दर्जन के करीब कि जिसको आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, और कुछ ऐसी सीटें हैं जो दुर्लभ सीटें रही हैं, 10-12 सीटें ऐसे झारखंड में हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं उस समय नहीं मिल, मैं उन सीटों का नाम भी गिनवा देता, और उसी दुर्लभ सीटों में से ये जो तीन उपचुनाव सीट उपचुनाव हुए हैं, बेरमो, ये क्या नाम है आपका, मधुपुर और दुमका, ये उसी दुर्लभ सीटों में से रहा है, और ये तीनों सीट अभी सत्ता पक्ष के पास है, ये तीनों सीटें सत्ता पक्ष के पास है। और मैं बता दूं कि जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी थी, उस समय भी ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी 20-21 साल शासन में यहाँ रही, 20-21 साल हो गए अलग राज बने, उसमें मैक्सिमम समय में शासन में रहा, लेकिन जब अलग राज बना उस समय भी ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। वहां दुमका में लगातार वहां जेएमएम और स्टीफन मरांडी जी जीतते रहे और जेएमएम जीतते रहा, वहां पर हाजी साहब भी जीतते रहे, यहाँ राजेंद्र बाबू जीतते रहे बेरमो में, तो ये दुर्लभ सीटें थी। और अगर एक बार पूरे इस अलग राज बनने के बाद 20-21 सालों में एक बार अगर हम दुमका जीते और दो बार हम ये मधुपुर भी जीते और ये बेरमो भी जीते, लेकिन जीते तो उस समय ट्रेंगुलर फाइट था, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी वहां किसी तरह से एक दो बार जगह बना पाई, एक बार दुमका में 5,000 से, और ये लोग लगातार लंबे मार्जिन से जीतते रहे हैं जो विपक्ष। और अब आप सोचिए कि हो गई, आज पूरा विपक्ष जेएमएम कांग्रेस राजद लाल झंडा पीला झंडा हरा झंडा सब झंडा मिल करके एक हो गए, और उसके बाद भी ये दुर्लभ सीटों पर
पूरी सर, एक तो उनकी सीट सहानुभूति के वोट और ऊपर से पूरी सरकार की ताकत के बाद ये मुश्किल से 4-5 हजार से दुमका जीत पाए, 4-5 हजार से ये मधुपुर जीत पाए और बेरमो में भी बहुत कम अंतर कम हो गया जीत का। तो मैं ये कहने वाला था कि ये दुर्लभ सीट पर भी पूरी अपोजिशन एक होने के बाद अगर 4-5 हजार से मुश्किल से पूरा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सहानुभूति लहर में अगर जीत पा रहे हैं वो, तो अब समझिए कि उनके लिए कठिन चुनौती आने वाला है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, ये सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है। और ये भारतीय जनता पार्टी आज कहां से कहां पहुंची है कि आप सोच सकते हैं कि वो 10 झारखंड के 10-12 दुर्लभ सीटों में से जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए थे, उन सीटों पर सारा विपक्ष के एक होने के बाद भी अब मुश्किल से वो 4-5 हजार से जीत पा रहे पूरे सत्ता का ताकत लगा के। तो आप सोचिए कि और जगह इनका क्या हाल होगा। सरोज जी, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुंदन जी मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से पार्टी की जीत होने के बाद एक समीक्षा बैठक होती है, सवाल मैंने सरोज जी से भी पूछा, एक समीक्षा बैठक होती है उस बैठक में हार को स्वीकारा जाता है या फिर हार के कारणों के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहां पर कोई समीक्षा बैठक नहीं की गई है। इनफैक्ट जो प्रत्याशी है उन्होंने ही खुद बैठक की और सीधा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कंचन, आपके सवालों का जवाब मैं सरोज जी के जवाब से थोड़ा क्लब कर देता हूं। सरोज जी के आंकड़ों की बहुत कद्र करता हूं मैं। सरोज जी बहुत बढ़िया डेटा के साथ खेलते हैं, आंकड़ों के साथ, और इनके आंकड़े बहुत तथ्यात्मक होते हैं। और शायद यह पहला वाक्य है, मैं ऑन स्क्रीन सरोज जी से असहमति जता रहा हूं, सरोज जी की बातों से सहमत नहीं हूं। सरोज जी ने कहा दुमका, बेरमो और मधुपुर तीनों दुर्लभ सीटें नहीं थी। सरोज जी आपको याद दिला दें, दुमका में 2019 तक लुइस मारांडी थी विधायक वहां से, जो राज्य में मंत्री भी थी। दुर्लभ सीटें वो नहीं रही, वो भाजपा के कब्जे की सीट थी। बेरमो में बाटुल साहब थे विधायक, 2019 में राजेंद्र बाबू वहां से चुनाव जीत कर आए। मधुपुर में 2019 तक राज परिवार आपके विधायक थे, वहां से वह जीत 2019 में वो चुनाव हारे थे। तो तीनों सीटों पर आपका ही कब्जा था सरोज जी, तीनों सीटों पर विपक्षी गठबंधन में किसी का कब्जा नहीं था, इसलिए यह सीटें आपके लिए दुर्लभ सीटें नहीं हुई। दुर्लभ सीटें वो हैं जिन पर आज तक भाजपा ने या भाजपा के सहयोगी दलों ने जीत फतह हासिल नहीं की हो। आंकड़ों में आपका आंकड़ा आज थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिख रहा है। रही बात समीक्षा बैठक की कंचन, तो मैं एक चीज बताऊं, गंगा नारायण इस हार से बहुत बुरी तरीके से आहत हैं। आहत किन वजहों से हैं? जहां एक खेमा इनको जिताने के लिए जी तोड़ दिन रात की मेहनत कर रहा था, उसमें सबसे पहला नाम मैं लूंगा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का, दूसरा नाम मैं लूंगा विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी, और तीसरा नाम लूंगा मैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का। तीनों लोगों को यह साबित करना था कि गंगा नारायण का अगर चुनाव एक उम्मीदवार के तौर पर किया गया है, जिसको विपक्ष ने बोरो प्लेयर की संज्ञा दी थी, तो गंगा नारायण ही सही उम्मीदवार थे, राज परिवार की उम्मीदवारी सही नहीं होती। लेकिन आज 2 तारीख के बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो शायद इन तीनों के दावे फेल होते नजर आए हैं। देखिए, हार चाहे 5,565 मतों से हो या हार 1 मत से हो या हार 1 लाख मतों से हो, लोकतंत्र में हार हार होती है। ममता बनर्जी ने भी हार को स्वीकार किया, पूरा बंगाल जीत लिया उन्होंने, लेकिन अपनी विधानसभा नहीं बचा सके। तो हार को शालीनता से स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। आपत्ति यहाँ पर यह है कि गंगा नारायण ने पार्टी के समीक्षा के पहले एक अपनी समीक्षा कर ली, और उस समीक्षा में उन्होंने 2 आरोप मुख्य रूप से लगाए कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उनकी यह हार हुई है। उन्हें बहुत संजीदा होकर एक बड़प्पन दिखाते हुए इस हार को स्वीकार करने की जरूरत थी। चुनाव आयोग ने तो मंजूनाथ भजंतरी का मतगणना के पहले तबादला भी कर दिया गया था, नैन्सी
चाहे को उपायुक्त बनाया गया था, तो ऐसे तमाम आरोप अब उनके बेबुनियाद हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उस में उन्होंने एक बात और कही है कि भाजपा के ही कुछ लोगों ने उनको हराने का काम किया है। जाहिर सी बात है अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, भाजपा चार धरों में इस उपचुनाव में बटी हुई थी, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। और रह गई बात सरोज जी ने जो बात कही है उस बात से कि पूरा विपक्ष माफ कीजिएगा पूरी सरकार लगी थी, तमाम दल लगे हुए थे, तो सरोज जी आप भी आजसू और भारतीय जनता पार्टी ये तमाम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ रहे थे, आप भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन हार हार है, अब इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे राजनीति को लेकर जाती है, मधुपुर में राज परिवार और गंगा नारायण का क्या भविष्य होगा, यह तो पार्टी तय करेगी। लेकिन एक बात तय है कि गंगा नारायण ने इस पूरे आप कह सकते हैं खेल में, इस पूरे खीर में एक बूंद नींबू तो जरूर डाल दिया है। कंचन क्या कहेंगे सरोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा है, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए कुंदन जी जिस बात को हमने कहा तो कुंदन जी तो मेरे बात में उन्होंने कहा, मैं पहले उसके जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती रही है, मैं तो ये बात तो मैं भी कहा, ये दुर्लभ सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन 7 बार आपको याद होगा स्टीफन मरांडी जी वहां 7-8 बार से MLA थे, जेएमएम के हुआ करते थे, और मैं भी कहा कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन कब जीती थी? आपको याद होगा कि जो पिछले बार 14 के चुनाव में जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बेरमो में अलग अलग लड़ा, वहां पर दुमका में भी जब एक बार मात्र हम जीते हैं दुमका में, 14 में हम जीते थे, कब जीते थे? जब वहां पर विपक्ष अलग अलग हुआ तो हम वहां जीत पाए, तो मैं हम लोग वहां जीते थे दुर्लभ सीटों में से, इसलिए कहा कि हाजी साहब भी 5-6 बार चुनाव जीते, राजेंद्र बाबू भी 6-7 बार लगातार जीतते रहे हैं, यहाँ हमारी सरकार रही है तभी वो MLA थे, और दुमका भी तो लगातार जीतते रहे, लेकिन हम वो उन सीटों पर खाता खोले हैं, हम जीते हैं, लेकिन तब जीते हैं जब वहां विपक्ष के वोटों का बंटवारा हुआ तब जीते। आज मैं ये कहा कि आज ये स्थिति है कि आज पूरा अपोजिशन एक होके लड़ रहा है, उसके बाद भी हम कड़ी टक्कर उन दुर्लभ सीटों पे दे रहे हैं, और 4,000-5,000 से उनकी सारी मशीनरी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बाद भी वो जीत पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि पार्टी की ताकत बड़ी है, पार्टी की इतनी ताकत कभी 1,05,000 वोट वो 30,000 दुमका मधुपुर में और वो 28,000-30,000 से चुनाव जीतते रहे हैं, आज 5,000 पे पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ा तो आज 5,000 से वो जीत रहे हैं। तो मैं ये कहा कि जब दुर्लभ सीटों पर पूरी उनके यूनिटी के बाद जब ये हाल है, तो मैंने इसलिए कहा कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य सीटों पर उनकी क्या हालत होगी जहां इन दुर्लभ सीटों पर यह हालत है, मेरा कहने का मतलब यह था। दूसरा उन्होंने कहा है कि गंगा नारायण जी ने जो आरोप लगाया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का, तो हम कह ही रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया है कि पार्टी के खिलाफ में कुछ लोग काम किए हैं, तो अभी गंगा नारायण जी ने नाम नहीं बताया, जब वो पार्टी को बताएंगे कि भाई किन लोगों ने खिलाफ किया है तो पार्टी उसको देखेगी, उसके लिए पार्टी में अनुशासन समिति है, पार्टी के सिस्टम है, अध्यक्ष है, उस पर निर्णय लेंगे, वो बताएंगे भाई कौन खिलाफ में काम किया है नहीं किया, अभी उन्होंने नाम नहीं बताया, जब बताएंगे तो उस पर पार्टी समीक्षा करेगी, अभी कोरोना का काल है, जब बैठेंगे तो उस पर समीक्षा होगा। कुंदन जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, एक सवाल है सर मेरा आपसे, कार्यकर्ताओं की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए कुंदन जी, तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ दबी आवाज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का इस्तीफा मांग लिया है, दबी आवाज में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दीपक प्रकाश अपना इस्तीफा दे। देखिए कंचन, मैंने आपको बताया कि इस उपचुनाव में मधुपुर की सीट को जीतने के लिए 3 लोगों ने की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, निशिकांत दुबे, जाहिर सी बात है निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और मधुपुर सीट जीतकर वह हेमंत सोरेन के खिलाफ एक मील का पत्थर स्थापित करना चाह रहे थे। चूंकि निशिकांत दुबे संथाल परगना से आते हैं, गुड्डा के
सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है वह उनके इलाके का चुनाव था, तो इस वजह से उनका इंटरेस्ट था। इसके अलावा दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी, इन दोनों नेताओं को अपनी उपयोगिता साबित करनी थी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इसके पहले के दो उपचुनाव हार चुके थे, दुमका और बेरमो का। मधुपुर के उपचुनाव में इन्हें अपनी उपयोगिता साबित करनी थी। और कहीं ना कहीं सरोज जी, ऑन द रिकॉर्ड तो भले मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने भी जी तोड़ इस बात के लिए मेहनत की कि मधुपुर का चुनाव किसी तरीके से जीत लिया जाए और पार्टी में, पार्टी के आला कमान को यह अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकें, लेकिन हो नहीं सका दुर्भाग्यवश। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब जीत होती है कंचन, तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। जब सफलता आपको मिलती है तो उसका श्रेय लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो आज महागठबंधन के साथ हो रहा है। वहीं अगर आपको असफलता मिलती है तो असफलता का ठीकरा दूसरे लोगों पर थोड़ा जाता है। आ रही थी जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए तमाम लोग थे, तीन नाम आपने लिए, लेकिन हार के बाद से अगर मैं बात करूं तो निशिकांत दुबे की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है सर। जाहिर सी बात है, असफलता है तो असफलता का अब श्रेय किसको दिया जाए, यह टोपी किसे पहनाई जाए, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और आपके पिछले सवाल को इस सवाल को अगर मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता, देखिए हर पार्टी के अंदर लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की वजह से कई पक्ष विपक्ष, कई धड़े होते हैं, उसमें एक धड़े ने दबी आवाज से दीपक प्रकाश के इस्तीफे की चर्चा भी कर दी है कि दीपक प्रकाश अपनी सार्थकता, अपनी उपयोगिता पार्टी में सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी तमाम उपचुनाव हार रही है। रह गई बात निशिकांत दुबे की, तो निशिकांत दुबे के लिए भी यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, वह भी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे थे। और जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने बिल्कुल आर पार की लड़ाई ठान रखी है और यह लड़ाई कोर्ट से लेकर राजनीतिक मैदान तक जारी है, ऐसे में निशिकांत दुबे के पास भी अब इस असफलता का श्रेय देने के लिए कोई दूसरा सर नहीं दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, पार्टी इस पर जब समीक्षा करेगी तो मैं एक चीज आपको बता दूं, किसी न किसी का सर कलम जरूर होगा। कंचन बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर सरोज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सर, मधुपुर की हार से पार्टी इतना परेशान क्यों है, जबकि अगर देखा जाए सरोज जी तो चुनाव दुमका में भी हुए, ये उपचुनाव बेरमो में भी हुए, लेकिन मधुपुर सीट को लेकर इतना परेशान क्यों है पार्टी? देखिए मीडिया और में चर्चा में परेशानी कुछ ज्यादा दिख रही है। हार हार है, हार को हमने स्वीकार किया कि भाई उनकी जीत हुई है, उनको बधाई, लेकिन मीडिया ज्यादा परेशान है। और किसी ने नहीं कहा कि दीपक जी के इस्तीफे की सवाल किसी ने कोई कहा क्या सामने से? सर मीडिया कहाँ परेशान है सर, सवाल तो सुनिए सर, मीडिया से ज्यादा खुद यहाँ पर गंगा नारायण जी परेशान है। वो तो खुद ही यहाँ पर, यहाँ खुद ही बैठक कर रहे हैं, खुद ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, खुद ही उनका कहना है कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, तो मीडिया से ज्यादा तो सर वो परेशान है। अरे सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना जी, मेरा किसी ने इस्तीफा मांगा क्या दीपक जी का? मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे चैनल में पूरा विश्लेषण के साथ पूरी तथ्य को मैं रखा कि पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, ये चिंतनीय विषय सत्ता पक्ष के लिए है कि दुर्लभ सीटों पर सारा विपक्ष एक होने के बाद, सत्ता रहने के बाद, सत्ता के दुरुपयोग के बाद किसी तरह से वो 4,000-5,000 से दुमका और मधुपुर जीत पाए लूटपाट करके, तो ये पार्टी के लिए उपलब्धि है। आप कह रहे हैं कि नुकसान है, तो देखने का अपना अपना चश्मा है, अपना अपना चश्मा है और अपने अपने चश्मा से लोग देखते हैं। तो आप दीपक जी का किसी ने तो इस्तीफा नहीं मांगा है पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी अपनी ही पार्टी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं सर? अरे भाई पार्टी के जो लोग, एक आध लोग कार्यकर्ता जो खिलाफ में काम किए होंगे, जो लोग वहां उनको लिख के देंगे, उसमें पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी वो चुनाव लड़े हैं, उनको लगा होगा कि कोई कार्यकर्ता अगर वहां कुछ काम नहीं किया होगा तो उसके लिए लिख के देंगे, तो उनका नाम तो इन्होंने किसी का नहीं रखा है। अब वो
अब उस पर विश्लेषण तो कर रहे हैं, हम बैठे नहीं है कि गंगा नारायण जी ने क्या कहा, उन्होंने अगर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ काम किए हैं, हो सकता है किए होंगे, तो जब आएगा तो आएगा विषय सामने, जब पार्टी उसके लिए, मैंने तो कह दिया कि उसके लिए अनुशासन समिति, अगर वो कोई आएगा कोई दिखेगा कि हाँ उन्होंने कोई गलती किया है और पार्टी के खिलाफ काम किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पार्टी आप अपने अपने चश्मे से लोग देखें, मैं तो पार्टी की बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि इन दुर्लभ 10-12 सीटों में ये 3 सीटें जो हैं उस पर डायरेक्ट फाइट होने के बाद, पूरे सत्ता के दुरुपयोग के बाद, सहानुभूति लहर के बाद, वे मुश्किल से 4-5 हजार से चुनाव जीते, उनको तो 50 हजार से जीत जाना चाहिए। तो ये तो पार्टी की ताकत और पार्टी के नेतृत्व का कमाल है कि वहां इतना बढ़िया फाइट किया। ठीक है, आंकड़े के खेल में हम पिछड़ गए, 500 हजार वोट से 2000-5000 से नहीं जीत पाए, वो अलग विषय है, लेकिन देखने वाले का चश्मा अपना अपना देखने का नजरिया है। हम इसको उपलब्धि मान रहे हैं, हम ये सत्ता पक्ष के लिए इसको जो है सो चुनौती मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लगातार हार रहे हैं, तो ये अपना अपना देखने का नजरिया है और कुछ नहीं। चलिए सर, यानी कि गंगा नारायण कह रहे हैं कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, इसे आप उपलब्धि यहाँ पर ठीक कह रहे हैं ना, सरकार उनको हराया, ठीक कह रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं, सरकार उनको हराया, सरकार वो तो ये भी, उन्होंने ये भी कहा ना कि अधिकारी किस तरह से जो है सो वहाँ रैगिंग किए हैं, अधिकारी किस तरह से, इसी के कारण चुनाव आयोग को वहाँ के डीसी को हटाना पड़ा। तो वो ठीक कह रहे हैं कि हमको हराया गया, हम हारे नहीं है, वो बात तो जो हम कह रहे हैं वही तो वो भी गंगा नारायण जी भी कह रहे हैं, कोई अलग बात थोड़े गंगा नारायण जी कह रहे हैं, गंगा नारायण जी भी तो यही बात कह रहे हैं कि प्रशासन ने मुझे हराया है, हम हारे नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इतना होने के बाद भी सरकार को वहां हराना पड़ा, मुश्किल से जीते हैं, ये मेरा कहना है। गंगा नारायण जी तो हमारे ही बात कह रहे हैं कि मुझे हराया गया है। सरोज जी, मेरा एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि महागठबंधन का निर्माण, जहां पर राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ आई है और झारखंड में 2019 से लेकर अब तक के तमाम चुनावों को साथ लड़ी है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना कठिन हो रहा है? देखिए कठिन नहीं, आप एक बात बता दें कि कठिन हो रहा है, नहीं कठिन नहीं हो रहा है, वही तो ये जो तीनों उपचुनाव है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तीनों उपचुनाव ही उदाहरण है कि जब 10-12 दुर्लभ सीटें हैं, जैसे अब उसमें आप उसको आप उन सीनाम गिनवाने लगा, कुछ ऐसे दुर्लभ सीटें हैं जो झारखंड के अंदर में जो भाजपा के लिए दुर्लभ रही है, 81 सीट में 42 में बहुमत आता है, आप सब तो नहीं जीत जाते हैं, 42 चाहिए बहुमत के लिए, 41 चाहिए, तो सब तो नहीं जीत जाते हैं। तो कहने का मतलब कि 10-12 जो दुर्लभ सीटें रही हैं, जिसपे कभी पार्टी कुछ सीटों पे नहीं जीती है आज तक, और कुछ सीटों पर बड़ी खुशी का साथ जीती है जब वोटों का बिखराव हुआ है तब, अब उन सब सीटों पर जो सीट उनके, एक तो उनके सहानुभूति का लहर, उसके बाद सरकार का पूरा प्रशासन लगा हुआ, पूरा विपक्ष एक, उसके बाद भी उनको गंगा नारायण जी अगर कह रहे हैं कि हम हारे नहीं है, हराया गया, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जब दुर्लभ सीटों पर उनकी ये हाल है तो और सब सीटों पर उनका क्या हाल होगा। इसलिए पूरा विपक्ष अब हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ये तो लिटमस टेस्ट था तीनों उपचुनाव, और तीनों उनके लिए बैटल फील्ड था, उनके सीटें थी, ये मेरा कहना है। और हम इसको जो है सो अपने लिए उपलब्धि मानते हैं और उनके लिए चुनौती मानते हैं। अब आप और जो बता रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि नेतृत्व को पर ये संकट है या पार्टी पर संकट है, तो उनके सोचने का नजरिया है, वो अपना सोचे, हमारे सोचने का नजरिया, हम लोग अपना अपने नजरिया से सोचते हैं, पार्टी उस नजरिया से देखती है, अपने अपने सोचने का नजरिया है। तो जाहिर सी बात है नजरिए का फर्क है सरोज जी, लेकिन एक सवाल यह है कि जो बातें मधुपुर उपचुनाव के दौरान निकल कर सामने आई हैं, तो इस पर पार्टी के अंदर एक समीक्षा बैठक होगी, भले ही एक समय के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, 15 दिन के बाद हो, क्या इस पर समीक्षा होगी या गंगा नारायण के आरोपों के साथ ही ये पूरे कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला समाप्त हो जाएगा? देखिए पार्टी हर विषय पर समीक्षा करती है, समीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बैठ करके और मीटिंग बुला करके तू तू मैं होकर के समीक्षा, वैसा नहीं है। पार्टी
फोन से भी बात करके, आपस में भी चर्चा करके, जो कोर कमेटी के लोग हैं चर्चा होते, कई स्तर पे समीक्षा होते रहता है। ये चुनाव या और भी चुनाव जो है, और या पार्टी के होगी, चाहे फोन पर समीक्षा हो या यहाँ पर एक बैठक बुलाकर समीक्षा हो, समीक्षा जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी हमारे साथ आप इस चर्चा में जुड़े, आपने बातचीत की, और कुंदन जी मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी, इस चर्चा में आप जुड़े और आपने बातचीत की, अपनी बातों को रखा। साफ तौर पर उपचुनाव के बाद जिस तरीके से सियासत यहाँ पर देखी गई है, उस सियासत पर हमने यहाँ चर्चा की है। खुद गंगा नारायण का साफ तौर पर यह कहना है कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है। साफ तौर पर इस पूरे रिपोर्ट में यही एक निकलकर बात सामने आई कि गंगा नारायण को खुद अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से वो अपनी ही पार्टी पर यहां सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।